Hi, I'm Mary Kom. You're watching Expo India. आम आदमी पार्टी और इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अनशन पर बैठे पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा ने सोमवार को अपना अनशन 6 दिनों बाद तोड़ दिया। कपिल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने लिक्विड लेना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल ने कहा, डॉक्टरों ने मुझसे कहा था कि वे मुझे तब तक डिस्चार्ज नहीं करेंगे जब तक मैं लिक्विड लेना शुरू नहीं कर देता। मुझे CBI और CBDT के पास जाना जरूरी है, इसलिए मैं लिक्विड लेना शुरू कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मंगलवार को CBI और CBDT में हवाला, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनियों के जरिए ऑपरेट करने का मामला दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि कपिल पिछले 6 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे और पार्टी के नेताओं के विदेश दौरों का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग पर अड़े थे। हवाला और काले धन के अरविंद केजरीवाल जी के देश के सामने रखे हैं, अब उसके ऊपर FIR दर्ज कराने जाना है तो या तो मैं सीधे लिक्विड लेके अनशन खत्म करने का ऑप्शन था और या फिर नलियों के माध्यम से भोजन लेने का ऑप्शन था। तो इस लड़ाई को जारी रखने के लिए, और क्योंकि देश के सामने दो चीजें हैं, एक चीज तो उनके हवाला और काले धन के तथ्य देश के सामने आ गए और दूसरे पूरे देश के सामने ये आ गया कि विदेशी यात्राओं की जानकारी देने से अरविंद केजरीवाल क्यों बच रहे हैं। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।